आज हम सीखेंगे राग केदार के बेस पे एक धुन जो है रामानंद सागर की श्री कृष्णा सीरियल से। वो धुन शायद सब लोगों ने सुनी होगी बचपन में, जब श्री कृष्णा सीरियल में वो जो धुन आती थी तब मुझे बहुत इच्छा थी वो बजाने के लिए। तो और मुझे गर्व है कि मैंने सबसे पहले YouTube पे वो धुन बजा के रखी थी। तो आइए वो सीखते हैं उसके नोटेशंस। उसमें जो इंट्रो है स्लो में वो कुछ इस तरह से, ये डी स्केल की फ्लूट है उसमें है, पॉ से ऐसे रे तक जाना है, फिर सा आएगा, इस तरह से इंट्रो होगा। अब जो पार्ट आता है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, इसलिए इसको हो सके तो एक बार वीडियो में से इसको लिख लीजिए नोटबुक में, फिर रिपीट कीजिए। इसको इतनी स्पीड में बजाना है। सेकंड पैटर्न जो आती है सा ग म द नी द म द, ऐसे वाइब्रेट करते करते जाना ना 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 ना। और जो थर्ड पैटर्न आती है वो है नी रे ग रे नी रे ग म प रे सा। एक साथ अगर इसको बजाए और कौन सी स्पीड पे बजानी है वो भी देख लीजिए। तो ये हो गया इंट्रो, और बेहतर तरीके से इसको लिख के बजा सकते हैं अच्छे से। आप एक बार लिख लीजिए नोटबुक में, बहुत ही ईजी होगा इसको बजाना। पहले स्लो में इसकी प्रैक्टिस कीजिए इस तरह से, अब जो पार्ट शुरू होता है मेन पार्ट वो देखते हैं। रे प, ध और ध को ऐसे थोड़ा बजाना है, यहाँ पे थोड़ा सा उसको वाइब्रेशन देना है इस उंगली को, प म प प म तीव्र प, यहाँ पे म शुद्ध आएगा सा म रे प, यहाँ पे म शुद्ध का यूज होगा, ध प म प यहाँ पे म तीव्र आएगा इस तरह से। ध नी सा और धनी सा इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से वेव देके आगे जाना है, ये दो उंगली में। ध प म ये म शुद्ध वाला, ये दो बार आएगा, फिर आएगा यहाँ पे भी सेम पैटर्न, ध के बाद यहाँ पे ये थोड़ा वाइब्रेशन देना,
ड प म प ये मतीव्र सा सा हायर ऑक्टेव का फिर ग म रे सा नि सा ध प ये भी दो बार आएगा फिर एक पैटर्न आएगा नी सा रे ग रे सा ध प नी कोमल ध प ध नी कोमल ध प सा ध प फिर वापस वो पहली लाइन आएगी अब आ गया आएगा प सा ध मिंड लेना है आखिर में सा पहले लंबा खींचना है फिर उसको मिंड लेना है ध तक ये सा और ध के बीच में फिर मिंड वापस सा ध मिंड फिर रे ये सा और रे का मिक्सचर है ये वाइब्रेशन है ये वाइब्रेशन देते देते नीचे उतरना है सा ध प सा से प तक सा से प मिंड फिर रे और वहां पे भी मिंड लेना है ध तक ग ग टैपिंग करते हुए रे रे म म म म मतलब ग म इस तरह से आएगा ये सबसे हायर ऑक्टेव का प तार सप्तक का प इस तरह से बजेगा ग रे सा ध फिर वही पैटर्न आएगी अब वापस एक बहुत ही डिफिकल्ट पैटर्न आएगी वो हो सके तो वो भी लिख ले और करे सा नी द प म प इसमें मातीवर सा द प म ये शुद्ध म सा द प म ग म इसमें म शुद्ध फर्स्ट पैटर्न में आएगा म तीव्र सेकंड पैटर्न में आएगा म शुद्ध फर्स्ट पैटर्न वापस से एक बार देख लीजिए ये सेकंड पैटर्न उसमें म शुद्ध म ग म रे सा नी सा ध इसमें म तीव्र आएगा प म प ग म शुद्ध म रे सा वापस एक बार देख लेते सा नी द प म प इसमें म तीव्र फिर सेकंड पैटर्न सा
आखिर में जो धुन आती है हायर ऑक्टेव में वो है सा मा रे पा। वाइब्रेशन के ना ये एक बार बजाए पहले एक पहली बार बजाएंगे तब ग रे सा फिर ग रे पे रुक के सा द प ग म रे सा ग म शुद्ध रे सा ये मत तीव्र आएगा तो लास्ट वाला पार्ट है वो कुछ उस तरह से बजेगा इस तरह से एंड करना यहाँ पे रिदम रुक जाएगी और यहाँ से उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आएगी अच्छे से आप इस पे वर्क कीजिए और आपको ये टाइम लगेगा थोड़ा लेकिन आ जाएगा डिफ़िकल्ट है इतना इजी भी नहीं है जिनको फ्लूट बजाना अच्छे से आता है वो जल्दी सीख पाएंगे और जिनको नहीं आता वो इसको लिख के पहले तो प्रिपेयर कीजिए एक पेज पे लिखा हुआ आपको तुरंत समझ में आ जाएगा आप वो लिख लीजिए और सीधा उसको पढ़ के बजाने की कोशिश कीजिए वो जल्दी हो जाएगा और
किसी भी तरह के इसमें कोई प्रॉब्लम हो, मान लीजिए आपके पास स्केल ना हो डी स्केल, तो आप सी स्केल में भी यही नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। ई स्केल की फ्लूट हो तो उसमें भी यही नोटेशन यूज़ कर सकते हैं। कोई भी फ्लूट पे आप ये नोटेशन बजाएंगे तो यही धुन इसी तरह से बजानी होगी, यही नोटेशन है। ये डी स्केल की ओरिजिनल फ्लूट पे है, ये है श्री रमेश बकाले कर्नाटक से, बहुत अच्छी फ्लूट बनाते, आप उनसे भी परचेस कर सकते हैं फ्लूट कर्नाटक से। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ओरिजिनल वीडियो का लिंक वो भी दे दूंगा, ये फ्लूट कहाँ से मंगवाना है वो भी दे दूंगा, और ये वीडियो मैंने पहली बार जब परफॉर्म किया था वो भी लिंक दे दूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके कोई भी सजेशन हो, कोई भी सॉन्ग की रिक्वेस्ट हो वो कमेंट में आप हमें डाल सकते हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब का वीडियो शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इससे सीख सकें घर बैठे। और ये धुन में अगर कोई भी आपको इश्यू हो, प्रॉब्लम हो, पर्सनली आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7405533771, या आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। आप अपने वीडियो व्हाट्सअप पे शेयर कीजिए ताकि मैं भी जान सकूं कि आप ये वीडियो से कितना सीख पाए, और इस तरह से मैं अपने वीडियो को भी बेटर बना सकूं और भी फ्यूचर में। और आपको कौन से गाने चाहिए वो भी भेज दीजिए, तो मैं उस तरह से वर्क करके वो ट्यूटोरियल भी आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।